हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, इसको कॉस्कॉम, सिलोसिया, मुर्गा कलगी कई नामों से जाना जाता है। तो आज मैं इसी के सीड कलेक्ट करूंगी। ये देखिए, तो अब ये ब्राउन होने लगा है इसका नीचे का पार्ट, तो इसमें अब सीड भी बनने लगे हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमें इसके सीड कलेक्ट करने हैं जिससे हम नेक्स्ट सीजन में इसको ग्रो कर सकें। तो मैं तो कलेक्ट भी नहीं करती, मेरे यहाँ तो ये अपने आप बरसात में निकल आते हैं। इतने निकल आते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इनको लगाऊं, बहुत जगह मैंने इनको लगा रखा है। ये देखिए, एक ये भी है, तो काफ़ी टाइम तक इसका फ्लावर चलता है। और कुछ इधर भी हैं, ये देखिए, इसका फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे पास रेड और मेहरूम और पिंक तीन कलर में है, ये कई कलर में आता है। वजन की वजह से ये नीचे को झुका जा रहा है, तो इसी के सीड आज मैं कलेक्ट करूँगी। ये देखिए, कुछ ऐसी शेप में भी हैं, तो इन सब में अभी ये सीड बनने लगे हैं। ये जो नीचे का ब्राउन ब्राउन होता है, इसी में सीड होते हैं। तो देखिए, कुछ मैंने इसके सीड कलेक्ट कर भी लिए हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये इसके सीड हैं। ये देखिए, वो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ये फूल। एक प्लांट से इतने सीड मिल जाएंगे कि पूरा गार्डन फिर इन्हीं से भर जाएगा। ये देखिए, ये सभी इसके सीड हैं। ये देखिए, ये जो सूखा हुआ होता है, ये इसी में इसके सीड होते हैं। कई कलर वैरायटी में ये मिलता है, तो आप एक बार अपने गार्डन में इसको लगा लीजिए, फिर इसके इतने सारे आप सीड कलेक्ट कर सकते हो इससे, कि बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं फिर फरवरी में या फिर बरसात में इसको ग्रो करते हैं। तो मेरे यहाँ ये बरसात में ज़्यादा अच्छे से चलता है, क्योंकि मई जून की गर्मी में फिर ये खराब हो जाता है मेरे यहाँ। ये देखिए, तो ये सभी इसके सीड हैं। तो आप भी इसके सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत सुंदर लगता है, पूरे कई प्रकार की शेप में ये ले लेता है। ये देखिए, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, और ये छोटे छोटे इसमें से ये जो ब्रांचें निकलती हैं, तो ये सभी इसके सीड होते हैं। ये नीचे का जो ब्राउन होता है, ये देखिए, बस यही आपके साथ मुझे शेयर करना था आज। तो थैंक यू फ्रेंड्स।